बुरहानपुर के लोधीपुरा स्थित दरगाह ए हकीमी और इक्षेश्वर हनुमान मंदिर के बीच एक नए विवाद की स्थिति बनी हुई है। दरअसल दरगाह ए हकीमी प्रबंधन के खेत में मिली हनुमान जी की प्रतिमा के पूजन को लेकर विवाद बढ़ गया है। इसको लेकर मंगलवार को हिंदू संगठनों के साथ बड़ी संख्या में भक्तगण यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए पहुंची थी, लेकिन खेत जाने वाले रास्ते बंद थे। इसके चलते 2 घंटे तक भक्त दरवाजे के बाहर भजन और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। देखिए एक खास रिपोर्ट। बता दें कि बुरहानपुर में इच्छेश्वर हनुमान मंदिर मामले में हाईकोर्ट ने मंदिर में पूजा अर्चना पर रोक लगा दी थी। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने यथा स्थिति बनाए रखने को कहा। गौरतलब है कि जिले के लोधीपुरा में बोहरा समाज की दरगाह ए हकीमी है। इसी क्षेत्र में प्राचीन इच्छेश्वर हनुमान मंदिर भी है। वहीं दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। बुरहानपुर कोर्ट से इच्छेश्वर हनुमान मंदिर समिति केस जीत गई थी। तब बोहरा समाज ट्रस्ट ने हाईकोर्ट में मामले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट जबलपुर ने 22 जून 2023 को आदेश दिए कि प्रशासन समिति यहां से मंदिर हटाए, लेकिन इसके खिलाफ मंदिर समिति के लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। वहीं मंदिर और दरगाह के मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। मंदिर समिति का केस बाबरी मस्जिद अयोध्या, ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी का केस लड़ चुके सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन और उनके बेटे विष्णु शंकर जैन लड़ रहे हैं। दिल्ली से वर्चुअली जुड़े हरिशंकर जैन ने मामले को लेकर विस्तार से बात रखी। वहीं इच्छेश्वर मंदिर ट्रस्ट की ओर से अधिवक्ता जगदीश वाड़े राकेश तिवारी ने कहा, उच्च न्यायालय में हमारे हक में अप्रिय फैसला आया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक लगाकर स्थिति यथावत रखने को कहा है। ये सरकारी जमीन इच्छेश्वर हनुमान मंदिर का प्राचीन मंदिर है, उसके उसको लेकर आपत्ति दरगाह हकीमी ने बुरहानपुर न्यायालय में लगाई। उसमें हम लोग जीत गए, उनकी आपत्ति खारिज हुई। उसको आपत्ति को फर्स्ट अपील के रूप में हाईकोर्ट में दायर किया गया दरगाह हकीमी के प्रतिनिधियों द्वारा। उस अपील में के खिलाफ हमारे खिलाफ उसमें आदेश आया था, उसको उससे व्यतीत होकर हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की, जिसमें उन्होंने जबलपुर माननीय जबलपुर उच्च न्यायालय के फैसले को स्थगन आदेश दिया। ये जो पूजा जो अर्चना हमारी हो रही है, उससे किसी को किसी प्रकार से कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दुर्भावना से, द्वेष भावना से और वहाँ पर अवैधानिक रूप से उस मंदिर को हटाए जाने के संबंध में कार्रवाई की गई है। और वो मूल रूप से जो बोरा समाज के जो प्रतिनिधित्व करने वाला जो व्यक्तित्व है वो हाई प्रोफाइल है, तो उनके द्वारा यह कार्रवाई की गई है मूल रूप से। लेकिन उनको भी आप देखेंगे किसी प्रकार से इस पूजा अर्चना से मंदिर से कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं। मंदिर में पूजा अर्चना की जा सकती है, लेकिन जब वहां पूजा अर्चना के लिए लोग पहुंचे तो प्रशासन की ओर से धारा 188 के तहत कार्रवाई की गई और अब तक 14 लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है। इधर दरगाह ए हकीमी प्रबंधक मुस्तफा उज्जैनवाला ने कहा कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है, हमें न्याय पर पूरा भरोसा है, जो भी होगा अच्छा होगा। दरगाह ए हकीमी की ओर से अधिवक्ता शब्बीर रावल पिंडीवाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में एज ऑन टुडे लिखा गया है, यानी कि हाईकोर्ट ने जो निर्णय 22 जून 2023 को दिया था उसे यथावत रखने को कहा गया है। वहीं गतिविधियों पर रोक लगाई गई है और उन्होंने कहा कि दरगाह हकीमी ने कभी किसी की कोई शिकायत नहीं की। जैसा आपने अभी मुझे बताया कि हाईकोर्ट का जो मामला था उसको लेकर समिति वाले सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में से स्टेटस को का निर्णय आया हुआ है, स्टेटस को मेंटेन रखने का निर्णय आया हुआ है। और रही बात हमारी, तो हम लोग न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, हमें सर्वोच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है, जो बराबर न्याय करेगी और हमेशा न्याय के साथ ही हम देंगे, न्याय के साथ ही रहेंगे, और जो भी फैसला आएगा हमें हमारे सर पर। सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस को मेंटेन किया गया है, जो हाईकोर्ट ने जो दिया था स्टेटस को, उसको लिखा हुआ है स्टेटस को एग्जिस्टिंग एज ऑन टुडे। इसका मतलब हाईकोर्ट ने जो स्टेटस को रखा था उसको वैसा ही एग्जिस्ट किया जा रहा है। हाईकोर्ट के स्टेटस को सभी प्रकार की पूजा आराधना को रोकने के लिए है, उसी को वो किया जा रहा है। अगर नहीं किया जा रहा तो फिर स्टेटस को एग्जिस्टिंग एज ऑन टुडे क्यों कहा गया? कोई स्टेटस को है उसको ही तो आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट कह रही है।
इसका गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि स्टेटस को नहीं है। स्टेटस को है, जैसा पहले था उसी को आगे मेंटेन करना है। जब तक सुप्रीम कोर्ट से किसी प्रकार का निर्णय नहीं आता, जो हाईकोर्ट ने यथा स्थिति कायम रखी थी उसी को कायम रखने हेतु सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर भव्या मित्तल ने क्या कहा, सुनिए। हाईकोर्ट का ऑर्डर ये कहता था कि वहाँ की मंदिर की शिफ्टिंग होनी है, जिसके संदर्भ में वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर की शिफ्टिंग पे स्टे लगाया हुआ है। तो जो फाइनल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से, मतलब इंटरिम ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट से है, उसमें ये लिखा हुआ है कि स्टेटस को एज ऑफ टुडे, अब इसके संदर्भ में एक सिविल कोर्ट में भी एक प्रकरण चल रहा है जिसमें इसके इंटरप्रिटेशन के ऊपर भी चर्चा चल रही है। तो जब तक कोर्ट ये ऑर्डर का इंटरप्रेट नहीं करती, तब तक हम यही मानेंगे जो आज की स्थिति है, मतलब कोई नया एक्टिविटी वहाँ नहीं होगा। मंदिर की शिफ्टिंग जरूर नहीं होगी, पर कोई नई एक्टिविटी भी नहीं होगी। तो जो पूजा अर्चना भी चल रही है लिमिटेड फॉर्मेट में, उसके अलावा कुछ भी नई एक्टिविटी वहाँ पर नहीं होगी। तो अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर कुछ बैनर्स और पोस्टर्स लगाए थे जो हमने हटाए हैं, उसके एवज में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बोर्ड प्रशासन भी उसमें लगाने वाला है। बुरहानपुर से संवाददाता गोपाल देवकर की रिपोर्ट। और वहीं इस पूरे मामले को लेकर बुरहानपुर से संवाददाता गोपाल देवकर जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। गोपाल जी, सबसे पहले ये बताइए कि इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई और दोनों पक्षों की दलील क्या है? ये मैंने की बता देना चाहूंगा कि बुरहानपुर में जिस तरह से स्टेशन हनुमान मंदिर का बीच का मामला है, जो की सरकारी जमीन पर स्टेशन हनुमान मंदिर है, हम बात करें तो दरगाह हकीमी में जाने का दोनों का रास्ता कॉमन है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर लगातार जो है दोनों के बीच में कई समय से जो है विवाद चलता आ रहा है और यहाँ पर विवाद इतना बढ़ गया था कि आखिरकार पुलिस यहाँ पर पुलिस और जिला प्रशासन ने यहाँ हस्तक्षेप किया। उसके बाद शाम को जो है कोर्ट में पहुंचा, बुरहानपुर कोर्ट ने जो है इस तरह से मामले को इच्छेश्वर हनुमान मंदिर के खर्च कर दिया, जिसके बाद दरगाह हकीमी हाईकोर्ट में पहुंचने के बाद जो है मामले में दस का दस रहने का आदेश दिया। जी बिल्कुल, लेकिन दरगाह हकीमी की आदेश के खिलाफ वापस जो है इच्छेश्वर हनुमान मंदिर के लोग पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, जहां मामले को फिर से जो है एक बार दस का दस रखने की बात सामने आई है। जी बिल्कुल, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर की मंदिर समिति जो है वो उनका कहना है कि 2012 का ये पूरा मामला है, उन्होंने कहा कि हमने पूरा नक्शा देखा और उस नक्शे के अनुसार जो स्थिति अभी वहाँ पर हनुमान मंदिर जी की है वहाँ पर, तो वहाँ पर शिवालय होना और चबूतरा होना पाया गया है। प्रबंधन ने कहा कि हमने पूजा अर्चना करने से नहीं रोका है, तो ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई, कैसे विवाद की स्थिति बनी, जबकि वो जो जमीन की दलील है कि जो जमीन का जो रास्ता है वहां पर मंदिर पहले से बना हुआ था, मंदिर की जमीन अलग थी, मस्जिद की जमीन अलग थी। हम बात करें तो मंदिर भी जो है यहाँ पर करीब 1957-52 से यहाँ पर लोग बात पूजा करते चले आ रहे हैं, सरकारी जमीन का मामला था, इससे पहले बुरहानपुर विश्वस्त नहीं था, जिसके चलते शहर के बाहर होने के कारण यहाँ लोग काफी कम जाते थे, लेकिन अब आबादी बढ़ चुकी होने के कारण यह लोधीपुरा में जहाँ विश्व प्रसिद्ध दरगाह हकीमी भी है, दोनों के बीच जो है विवाद बढ़ते बढ़ते जो है कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जो है इस तरह से मामला पहुंचा और यहाँ बाबरी मस्जिद और अयोध्या मामले को लेकर के जो हरी जैन थे जिन्होंने इस मामले को देखा था, अब वही जैन साहब जो है इस मामले के अंदर पैरवी कर रहे हैं, जिन्होंने पैरवी करते हुए अब मामले को यहाँ तक आया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि मामले को दस तक रखा जाए, यानी दोनों ही पक्ष जो है अपने अपने तरीके से यहाँ पर संवाद कर रहे हैं। जो मंदिर का पक्ष है वो कह रहा है कि हमें पूजा करने के जो अच्छे पक्ष आदेश दिए गए, लेकिन दरगाह हकीम भी इसी बात को लेकर कह रहा है यहाँ पर अब पूजा नहीं करने के आदेश दिए गए हैं। ये मामला जिस तरह से कोर्ट ने आदेश दिया था उसी कोर्ट उसके आदेश को यहाँ पर दोनों के बीच में मामला सुलझता हुआ नहीं है, समझ में आ रहा है। लेकर जिला प्रशासन ने जो है आदेश दे दिए गए थे जो किसी ने भी स्थापित नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर शारीरिक तौर पर पूजा पाठ नहीं होगी या यहाँ पर भंडारे या होती थी वो नहीं होगी,
यहाँ पर इकट्ठे लोग नहीं होंगे, यहाँ कुछ कुछ लोग जो है दोपहर तक जाकर कुछ पूजा पाठ कर सकते हैं, इस तरीके की बात जो है। जी बिल्कुल, चूंकि अब मामला निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, लेकिन जब हम जगह की सीमांकन की अगर बात करें, जमीन की सीमांकन की अगर बात करें, तो क्या प्रशासन ने दोनों पक्षों की जो जमीन है उसका सीमांकन किया, और सीमांकन की जो रिपोर्ट है क्या कोर्ट में प्रशासन ने रखी, क्या इस पूरे मामले को लेकर जो प्रशासन की वो भूमिका है कहीं संदिग्ध तो नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो कोर्ट में मामला कैसे पहुंचा कि जमीन के सीमांकन को लेकर पहुंचा, तो कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी थी कि प्रशासन ने ठीक से काम नहीं किया, तो लोगों को कोर्ट का रुख करना पड़ा। तो क्या ये माना जाए कि प्रशासन की कहीं ना कहीं चूक हुई है सीमांकन को लेकर? सीमांकन भी हुआ है और सीमांकन दोनों ही जो है गढ़का अष्टमी जो है अपने सीमा में है, और इच्छेश्वर हनुमान मंदिर जो अपने पक्ष में है, दोनों ही जो है अपने अपनी दलीले यहाँ पर दे रहा है। लेकिन अब ये कह पाना मुश्किल है कि क्या प्रशासन की कोई चूक हुई है, यानी इस बात को लेकर के हम भी स्पष्ट रूप से ये बता नहीं सकते कि आखिरकार मामला किसके पक्ष में है, क्योंकि दोनों ही जो पक्ष है वो अपने अपने दलीलें कोर्ट में पेश कर चुकी है। अब जिला न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है, इसलिए इस मामले में जो है एचके न्यूज भी कुछ भी कहने से स्पष्ट रूप से कहना नहीं आपने सही कहा बिल्कुल। तो हमसे बात करने के लिए, तमाम जानकारी के लिए गोपाल जी आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि बुरहानपुर का ये पूरा मामला था जहां पर हनुमान जी के मंदिर और दरगाह ए हकीमी जमीन को लेकर अब जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों की दलील सुन रही है और क्या कुछ फैसला होगा ये तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही इस पूरे मामले को लेकर फैसला करेगी।